नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगी पॉर्चोलाका में फूल नहीं आने के। मैं आपको पांच कारण बताऊंगी, फाइव रीजंस बताऊंगी पॉर्चोलाका में फूल नहीं आ रहे हैं। इस पर मेरे पास कमेंट आए थे, तो इसी पे मैंने आज वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि इसको लिख करके कमेंट का जवाब देने से अच्छा है मैं आपको वीडियो के जरिए ही बता दूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको पांच रीज़न बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहला आपको कारण बताऊँगी, हो सकता है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो और मिट्टी सूखी नहीं हो और उसके पहले ही आप इसमें पानी डाल दे रहे हो, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसको पानी बहुत चाहिए ही नहीं। आप इसको जब तक कि मिट्टी पूरी तरीके से ना सूख जाए, इसमें आप पानी वाटरिंग ना करें। तो एक तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया कि वाटरिंग आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि आपने वेलरेन सॉइल अगर नहीं ली है, इसकी जो सॉइल होगी या फिर वेलरेन पॉट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर नहीं होंगी तो उसमें पानी खड़ा रहेगा, उसमें पानी रुकेगा और उससे आपके पॉर्चोलाका के मॉस रोज के फूलों में असर पड़ेगा। तो दूसरा ये हो गया। थर्ड मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे क्या होता है कि सनलाइट में अगर आपने नहीं रखा है, थर्ड मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपने सनलाइट में नहीं रखा है तो इसको इसके जो हैं पत्तियाँ पत्तियाँ तो ढेर सारी हो जाएंगी, खूब होंगी, लेकिन इसके फूल नहीं आएंगे। तो इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। दोस्तों, यही सब तो प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल तेज सनलाइट पसंद करते हैं, है ना। ये हो गया आपका, ये बोगनवेलिया हो गया, इन सबों को तो बिल्कुल सनलाइट ही पसंद है। तो थर्ड आपका ये हो गया कि सनलाइट इसको नहीं मिल रही होगी तब भी इसमें फूल नहीं आएंगे, तो और बहुत ज़्यादा इसको सनलाइट पसंद है। इसके अलावा मैं आपको फोर्थ रीज़न ये बताऊंगी, फर्टिलाइज़र। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपने इसमें जो है फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको लगा कि चलो इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तब फूल आने लगे, लेकिन मॉस रोज़ के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरा ये जो मॉस रोज़ का प्लांट है पॉर्चोलाका का, ये सारा का सारा कटिंग से तैयार किया हुआ है, और मैंने इस साल तो कोई भी, यही चार कलर मेरे पास है। एक ये देखिए येलो कलर का मेरा सिंगल पेटल का है, और बाकी ये दो टाइप के पिंक हैं, एक वाइट है, मतलब चार मेरे पास ये है। तो ये जो है कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, और जब आप इसकी सॉइल तैयार करें उसी समय ही आप जो भी आप मिक्स कर रहे हैं उसमें, मतलब जो है मोरंग या रिवर सैंड अपने गार्डनिंग सॉइल में मिक्स कर लें, और उसी समय कंपोस्ट या और ये आपके पास काउ मैन्योर जो चीज़ भी हो उसको आप मिक्स कर लें। मैंने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद फिर अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो इसको बार बार फर्टिलाइज़र ऐसा कोई ज़रूरत इसको होती ही नहीं है। इसको आप अगर फर्टिलाइज़र देंगे ना बहुत, तो इसको पसंद नहीं है, ये फिर नहीं उतना ब्लूम करेगा। तो इसके लिए भी अगर आपको बहुत लग रहा है तो आप फिर एक महीने में, एक डेढ़ महीने में एक बार दे दीजिए कोई लिक्विड, क्योंकि इसमें इतनी जगह ही नहीं होती है कि आप और कुछ इसमें दे सकें। तो एक एक डेढ़ महीने से पहले आप कुछ मत दीजिए इसमें, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। तो फर्टिलाइज़र हो गया आपका फोर्थ। और दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे मैं बताऊंगी, जिसके लिए भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि इसमें मिली बग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई, जब मिली बग की प्रॉब्लम हो जाएगी, मिली बग होगा, तब तो फिर प्लांट तो वैसे ही अपने आप शॉक में चला जाता है, वो कहाँ से फ्लॉरिंग करेगा। तो आप अगर मिली बग है तो आप क्या करिए, बस कि मॉर्निंग में खूब अच्छे तरीके से एकदम प्लेन वाटर से साफ़ कर दीजिए, इसको स्प्रे करके खूब तेज़ी से सब हटा दीजिए। और बहुत सारे दोस्तों मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगी। और उसके शाम में क्या करिए, इवनिंग में इसमें चाहे तो अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहे तो वो कर लें, स्प्रे करिएगा उस और नीम ऑयल का कर लीजिए। नहीं तो क्या करिए कि हल्का सा सोप, थोड़ा सा बस शैम्पू या कोई चीज़ लेके, और कुछ बूंदे आप ऑयल की लेके, कोई कुकिंग ऑयल कुछ ले लीजिए और पानी में मिक्स करके उससे कर दीजिए। एकदम सिंपल सा, आसान सा तरीका होता है, और बस बिल्कुल फिर उसको छोड़ दीजिए, सब ये हट जाएंगे मिलीबग, क्योंकि वैसे भी ये सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, इसमें एक बार हट जाएंगे तो वापस फिर नहीं आएंगे।
क्योंकि हम इसको शेड में तो रखते नहीं हैं। तो बस यही पांच कारण है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू।